बहुत ही सही एक्सपीरियंस है, थोड़ा इसको पका के देखते हैं। हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज आपको दिखाएंगे हमारी कम से कम 17 साल पुरानी एक बाइक, जो कि बहुत सारे लोगों के पास में होगी इंडिया में, और बहुत सारे लोग आज भी उसको काफ़ी पसंद करते हैं। तो हमारे पास जो पड़ी है वो आपको दिखाते हैं, बहुत टाइम से खड़ी है। उसको निकालते हैं, क्लीन करते हैं, और फिर अगर रिपेयर वगैरह कुछ हुआ तो वो कराएंगे। अभी स्टार्ट करके देखेंगे, स्टार्ट होती है नहीं होती है, कि वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो स्टार्ट हो रही है या नहीं, तो वो आपको दिखाते हैं। और उसके बाद में उसका क्या करेंगे वो भी बताएंगे आपको। ये है हमारी वो बाइक, इस पे रख दिया है गंदा सा कपड़ा, और बाइक भी कपड़े से ज़्यादा गंदी लग रही है मुझे तो। अभी बस इसको निकालेंगे, थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे, और फिर स्टार्ट करके देखेंगे कि स्टार्ट होती है या नहीं। पहले इसकी बैटरी का हाल देखते हैं। ओके, बैटरी वैटरी सब गॉन है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसको चलाई नहीं है। तो बाइक अब धुल चुकी है, और इसको स्टार्ट करके देखेंगे अभी थोड़ी देर में, थोड़ी सूख जाए, थोड़ा पानी झड़ जाए। काफ़ी क्लीन हो चुकी है, मैं दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा होगा लेग गार्ड्स एंड ऑल, कुछ कुछ जगह पे रस्टिंग हो चुकी है। तो इसको क्योंकि बहुत लंबे समय से नहीं चला है, इसलिए इसका ये हाल होता जा रहा है। अब इसको OLX पे बेच देंगे। अब पास वाले अंकल ने कुछ प्लांट्स दिए थे, उनके पास एक्स्ट्रा पड़े थे, तो आज इनको प्लांट करेंगे हमारे किसी इन पॉट्स में। बहुत सारे पॉट्स यहाँ पे खाली पड़े हैं, गार्डन खाली खाली देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी नए आए हैं, ऑलमोस्ट 5-6 हैं ये, तो इनको प्लांट करेंगे। इन पाँचों को प्लांट करेंगे, 5 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वाले में 2 है, तो इन 5 प्लांट्स को प्लांट करेंगे। तो ये 3 जो पॉट्स हैं, इनमें प्लांट सूख रहे हैं, और इनमें कुछ फ्रूटिंग भी नहीं हो रही थी। मिर्ची के पौधे बाय द वे, जो कि मैंने पिछले साल लगाए थे, सूख चुके हैं, और तो इन्हीं में ही लगा देते हैं। हो गई गड़बड़। तो अभी मैंने प्लांट्स बाहर खींचे, और ये चारों तरफ ऐसी मिट्टी उछल चुकी है। अब इसके लिए मम्मी से थोड़ी डांट सुननी पड़ेगी, और अब शुरू करते हैं मेन काम। यहाँ पे गमले के अंदर थोड़ा ऐसे गुड़ाई बोलते हैं हम लोग, तो एक गुड़ाई करने से मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट होती है, और प्लांट को जड़ पकड़ने में बहुत इजी रहता है। अभी इसमें भी करेंगे यही सेम प्रोसेस। कोई अगर मुझे फॉलो कर रहा है प्लांटिंग के लिए, तो कहीं अपने पेड़ पौधों को मार मत लेना, अपनी भी रिसर्च कर लेना भाई एक बार। तो अभी ये दोनों प्लांट्स को मैंने निकाल लिया, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा और गहरा गड्ढा करके मैं इसके अंदर उसको दबा दूँगा, ऑलमोस्ट 2-3 इंच के आसपास, ताकि इसकी रूट्स पूरी कवर्ड रहें, और फिर चारों तरफ से मिट्टी को ऐसे लगा के यहाँ पे छोड़ देंगे। थोड़ा हल्का सा दबा देंगे सेंटर में से, ताकि उसकी जड़ सेट हो जाए, और ये ऑलमोस्ट गमले के सेंटर में ही लगाना है आपको प्लांट। अभी ये काम हो चुका है, दोनों गमले ऑलमोस्ट रेडी हैं।
देखो गंदगी तो बहुत हो गई है तो गंदगी को साफ करना ज़रूरी है, वरना मम्मी मार मार के सुझा देगी। और अब तो बीवी भी है ना, मम्मी और बीवी दोनों पकड़ के मारेगी तो सोचो कितना सूझूंगा या कितना टूट जाऊंगा जगह जगह से। अब जितने भी प्लांट्स आज लगाए उन सबको पानी पिलाएंगे। ये ब्लॉगिंग करने जाएंगे आज इस पर, तो अभी वो टाइम आ गया, ब्लॉग करने जा रहे हैं। दिस इज माय फर्स्ट एवर ब्लॉग ऑन माय 18 ईयर ओल्ड पल्सर। तो अभी जाके पहले इसकी चेन टाइट कराएंगे, थोड़ी लूज़ हो गई है, उसके बाद में अपन चलेंगे पेट्रोल भराने, कैसा रहता है एक्सपीरियंस वो भी देखेंगे। टाइट कराने के लिए एक मैकेनिक है जिससे मैं इसको ठीक कराता हूँ हर बार, तो पहले वहीं चलेंगे। लेट्स सी अब ये किक में स्टार्ट होती है नहीं, वॉश करने के बाद तो हो गई थी। ओके स्टिल स्टार्टिंग इन सिंगल किक। चल तो मस्त रही है यार ये, तो अभी इन भैया से टाइट करा देते चेन। बेस की चेन टाइट कर दो। तो अब चेन टाइट हो चुकी है, एक बेवकूफ है। लोग ऐसे बीच बीच में क्रॉस करके जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है ऐसे। तो 18 साल से बाइक मेरे पास है और 2 साल से ऑलमोस्ट मैंने इसे चलाया नहीं है, तो मैं ऑन एंड ऑफ चलाता रहता हूँ। कभी कभी बीच बीच में ऐसे स्टार्ट करके, जैसे आज चलाइए ऐसे स्टार्ट करके थोड़ा रिपेयर करा के उसको चलाता रहता हूँ। तो फिर भी ये बाइक काफ़ी अच्छी चल रही है उस हिसाब से, बट हाँ वही है कि 18 साल पुरानी हो गई है तो इसको बेच देना ज़्यादा बेटर है। अभी पेट्रोल भरा लेते हैं। ये लेफ्ट में जो आप देख रहे हो ये है आना सागर चौपाटी लेक फ्रंट व्यू। तो बाइक में अभी मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, कुछ चल रही थी पहले और अभी वो नहीं चल रही है, लाइक इंडिकेटर्स वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, हॉर्न काम नहीं कर रहा है। ओके करा, आई थिंक थोड़ा जब ये चार्ज हो जाएगा, बैटरी का सही टाइम से यूज़ नहीं हुई है कुछ, बट स्टिल बाइक का इंजन चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, बहुत सही चल रहा है। 2 साल से बंद पड़ी हुई बाइक के लिए तो बहुत ही सही एक्सपीरियंस है, थोड़ा इसको भगा के देखते हैं। ठीक है, नॉट बैड, बैक टू होम। तो ये था आज का मोटो व्लॉगिंग। सो माय फर्स्ट एवर मोटो व्लॉगिंग डन ऑन माय 18 इयर्स ओल्ड पल्सर एंड इट वेंट गुड। Los orangutanes hacen lo que digo, yo soy el rey de la selva. Que con la púa me dicen el tiro fijo, yo soy yo. Que al lado de los malos no me dan un brinco, yo soy el rey de la selva. Que con mi faldeo carronqueo yo me rindo, yo soy el rey de la selva. Marmolada de banana para ella, le sirve mucho porque ella está muy bella. Se ve más linda, se ve más bella. Yo soy
Se pide, el respeto aquí se gana. Se nota que tú de la selva, te antoja mi sabana. Orangután y Superman, yo mando a tu papá.